राधा रानी पर विवादित टिप्पणी करने के बाद अब पंडित प्रदीप मिश्रा ने नाक रगड़ कर अपनी गलती की माफी मांगी है। पंडित प्रदीप मिश्रा शनिवार को बरसाना पहुंचे और उन्होंने राधा रानी के मंदिर में नाक रगड़ कर माफी मांगी। इसके बाद उन्होंने राधा रानी के मंदिर में दंडवत प्रणाम भी किया। बता दें कि पंडित प्रदीप मिश्रा को मिल रही लगातार धमकियां के कारण राधा रानी मंदिर में सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए हैं। पंडित ने माफी मांगने के बाद कहा कि मैं ब्रजवासियों के प्रेम के कारण यहां पहुंचा हूं। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा, मेरी वाणी से किसी को ठेस पहुंची है तो उसके लिए माफी मांगता हूं। मैं ब्रजवासियों के चरणों में दंडवत माफी मांगता हूं। मैं लाडली जी और बरसाना सरकार से क्षमा चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मेरा सभा से निवेदन है कि कोई किसी को अपशब्द नहीं कहे, केवल राधे राधे और महादेव कहे। दरअसल राधा रानी विवाद पर मथुरा महापंचायत में संतों ने उन्हें माफी मांगने को कहा था। संतों ने कहा था कि पंडित मिश्रा 4 दिन बरसाना आकर माफी मांगे, नहीं तो हम बयान के खिलाफ FIR दर्ज करवा देंगे और बड़ा आंदोलन भी करेंगे।